नमस्कार। द बिहार टीचर्स सिस्टम मेकर्स, मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना हरियाणी आप सबका स्वागत करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत हमेशा की तरह एक सुविचार से करते हैं। तो आज का सुविचार है, मैं भी श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, और मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। तो शिक्षा जो है वह अहंकार को खत्म करती है। आइए हम भी शिक्षा के द्वारा अपने अंदर के अहंकार को खत्म करें, अपनी क्लास की शुरुआत करें। पिछले वीडियोस में हमने परिवहन चैप्टर से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी चर्चा को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ये ग्लूकोज जब संग्रहित होते हैं तो ये स्टार्च के रूप में होते हैं, लेकिन इनका स्थानांतरण जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाए जाते हैं, वे सुक्रोज के रूप में होता है, या जल में घुलनशील होकर घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधों के एक पार्ट से, एक भाग से दूसरे भाग तक यह जाता है। तो सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। हमारा अगला प्रश्न, पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। जो खनिज लवण मिट्टी में उपस्थित होते हैं, वे जल में घुलनशील होते हैं और आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जड़ के द्वारा जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है वह आयन के रूप में ही होता है। अब अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से अवयव हैं। मनुष्य में रक्त परिसंचरण के अवयव तो मुख्यतः तीन अवयव हैं। पहला है हृदय, हार्ट, दूसरा रक्त, और तीसरा रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। तो हृदय जो है वह रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अवयव है, यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। और रक्त जो तरल संयोजी ऊतक है, हृदय से पंप करने के बाद यह विभिन्न प्रकार के रक्त वाहिनियों से होकर यह हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक, सभी अंगों तक पहुंचता है। अब अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, रक्त क्या है या रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, और इसी का दूसरा भाग जो है वह कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का संयोग करता है, सारे अंगों में प्रवाहित होता है और सभी अंगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं। तो रक्त के मुख्यतः दो अवयव हैं, पहले दो भागों में बांटा जाता है। पहला इसका तरल भाग, जिसको हम रक्त प्लाज्मा कहते हैं, जो पूरे रक्त का 55% भाग होता है, और दूसरा भाग जो ठोस होता है, जिसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन की मात्रा होती है, 0.9% अकार्बनिक लवण उपस्थित होते हैं,
0.18% ग्लूकोज उपस्थित होता है और 0.5% फैट या वसा उपस्थित होते हैं। साथ ही जो शेष भाग होते हैं उसमें अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं रक्त प्लाज्मा में। अब दूसरा भाग रक्त का जो ठोस भाग है यह रक्त का 45% होता है, 45%। इसमें तीन अवयव उपस्थित होते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। यह रक्त की संरचना है। तो रक्त में पहले दो भाग हुए, एक प्लाज्मा और दूसरा ठोस कोशिकाएं जो हैं। और ठोस कोशिकाएं जो तीन प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं हमारे जो लंबे बोन्स होते हैं उनके बोन मैरो में उनका निर्माण होता है। जो लंबे जो बोन हैं हमारे शरीर के, उसके अंदर एक स्थान होता है भीतर में जिसको बोन मैरो कहा जाता है। उसी बोन मैरो के अंदर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है, रक्त लाल क्यों दिखता है? तो रक्त में एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है, प्रोटीन वर्णक है, जो जिसमें आयरन भी उपस्थित होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। यह दो प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है, हीम अर्थात आयरन और ग्लोबिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं जो रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। साथ ही ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के वाहक होते हैं। ये हमारी विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स के द्वारा उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।